ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूँ बच्चू भाई, मेरा रास्ता छोड़ दो। अरे बाबा मैं क्यों छोड़ दूँ तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी ब्रेक फेल हो गई है क्या? मैं अब एक पल इस घर में रहूंगा। अरे बाबा जरीना अब तुझे क्या हो गया है? अरे बाबा अब जान ही जाएगा तो भला क्या, मैं रोऊंगी भी नहीं। ऐसे मत रहो, इस तरह रोगी ना मैं और जल्दी निकल जाऊंगा। अच्छा बाबा जानी हुआ क्या ये तो बताओ। सीमा मैडम की सोने की अंगूठी चोरी हो गई है और वो मुझ पर शक कर रही है, ये बताए कि मैं आपको चोर लगता हूँ? अरे नहीं बाबा, किसी ने कहा कि तुम चोर लगते हो, अंधे हैं वो अंधे, तुम तो डाकू लगते हो डाकू। क्या? अरे जानी बता तो सही हुआ क्या है? सीमा मैडम की ना सोने की अंगूठी नहीं मिल रही, वो मुझ पे शक कर रही है। अरे बाबा वो वाली अंगूठी जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दी थी। अरे हाँ बाबा, वो तो सुबह से अपनी अंगूठी ढूंढ रही है। अरे बाबा घर में से चीज कहाँ जा सकती है? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता? अरे बाबा घर में ही होगी, भाजाई को बोलो सही तरीके से ढूंढ ले। अच्छा अच्छा बाबा तुम अपना बस्ता अंदर रखो, बात करते हैं। ना जानी अगर तुम चले गए तो भला फिर हम शक किस पे करेंगे? क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है कि तुम चले गए तो भला फिर हम किससे अपने घर का काम कराएंगे? अरे बाबा कारोबार कौन चलाएगा? मैंने इतना आपको सिखा दिया, आप खुद देख लेना बच्चों भाई। अरे क्या जानी बकबक करता रहता है हर वक्त बाबा, औरतों की तरह नाराज हो जाता है। चलो अंदर बाबा देखते क्या हुआ है। चलो चलो बाबा चलो। अरे चलो बाबा बात करता है। बेग साहब बात समझने की कोशिश करें, घर की चीजें घर में गायब हुई है तो घर का कोई बंदा होगा ना, बस मैं कुछ नहीं जानती, आप यहाँ आए और आकर इस मसले को हल करें, और हाँ अपनी पूरी नफरी साथ लेकर आइएगा, ठीक है? अरे बाबा सीमा क्या हो गया, तुम्हारी अंगूठी गुम हुई है ना बाबा? हाँ बच्चू, वॉश बेसिन पे रखी थी मुंह हाथ धोने के लिए, बाद में गायब हो गई। अरे बाबा तुम्हारे बाद उस बाथरूम में गया कौन है? वो तो ये जाने को पता होगा, ये घर की सफाई करता है ना। मैं तो सुबह से वॉश बेसिन गया ही नहीं। हाँ बाबा ये सही कह रहा है। बाबा तुम्हें कैसे पता चला? अरे बाबा देखो ना इसकी शक्ल से थोड़ी लग रहा है इसने मुंह धोया है। मैं तो रोज सुबह मुंह धोता हूँ। फर्क तो जरा सा भी नहीं नजर आ रहा। असल में आजकल जरा साबुन दो नंबर आ रहे हैं इस वजह से। अच्छा बाबा हो सकता है गटर में गिर गई हो। हाँ बच्चू ये भी हो सकता है। हाँ बाबा फिर तो बंगी को बुलाना पड़ेगा ना। अरे उसकी क्या जरूरत है, जानी है ना। बच्चों भाई देखिए मैं जा रहा हूँ। अरे यार जानी तुम औरत है जो बात बात में नाराज हो जाता है। बाबा उसकी बात समझो, वो क्या कह रही है? वो कह रही है बंगी को बुलाने के लिए, जानी है ना। क्यों मैं इस इलाके का यूसी नाजिम हूँ क्या? मुझे कुछ नहीं पता जानी, बस मुझे मेरी अंगूठी चाहिए, बंदोबस्त करो भंगी का। जाओ भंगी, मेरा मतलब जाओ भंगी को बुला के लाओ। चला गया बाबा, मिल जाएगी, परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। वैसे रुक जा यार आप तो हीरो लग रहे हो। एक बात बताओ पैसे कमाने का मूड है? बिल्कुल है भजन। बात ये हमारे घर के ना कुछ गटर बंद हुए हैं, अगर वो खोल दोगे तो चार पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। मैं तेरे को क्या भंगी लग रहा हो? नहीं लग तो रहे हो, लेकिन वैसे हो कौन? मैं राजा हूँ। राजा? हाँ। किसके? अपनी बीवी का। भाजन मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। जाइए तशरीफ ले जाइए। करूं भंगी का क्या हो रहा है इस दुनिया में, किस किस किस्म के राजे हैं, नन्ना मुन्ना सा। चलो बीवी का था आपने। अस्सलाम वालेकुम जारी भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी खैरियत भी बिल्कुल बेहतरीन चाहता हूँ। शौकत भाई यहाँ से चले जाओ, आज दिमाग बहुत खराब हुआ है। क्यों दिमाग खराब हो रहा है भाई, हलवे पे निहारी डाल के खा ली थी क्या? नहीं भाई। तो फिर चाय में साबुन डाल के पी ली होगी? अरे ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर जिंगर पे दाल चावल डाल लिये होंगे? क्या हो गया दिमाग सही है आपका? अरे तो फिर बात क्या अंकल मुझे बताए। अंकल शौकत भाई मुझे लगता है आज घास नहीं खाई आपने। तो आप छोड़ोगे तो मैं खाऊंगा ना। अबे दफा निकल जा यहां से। अच्छा अच्छा नाराज ना, बात क्या है मुझे बात बताएं। यार शौकत भाई आपके तो बड़े ताल्लुकात हैं, कोई भंगी मिल जाएगा? भंगी चाहिए? ये आप पूछ रहे हैं क्यों? हैदर से भाई
आपके एक इशारे में तो पूरे शहर में भंगी हड़ताल कर दे, और आप पूछ रहे मैं आपको क्या भंगियों का लीडर लग रहा हूँ क्या? अरे मेरा मतलब है कि भंगी चाहिए क्यों खैरियत है? एसी सही करवाना है। लेकिन भंगी ऐसी ठीक कब करता है? जाहिर सी बात है, नाली गटर ठीक कराने और किस लिए? एक भंगी है मेरी नजर में। है कौन? मेरी आंखों में गौर से देख, ये तो मैं ही दिख रहा हूँ। मैं इन निगाहों को ना गुलेल से फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। मेरा मतलब है एक भग्गी है मेरी नजर में, बेहतरीन भग्गी है, पैसे ज्यादा लेता है लेकिन काम ऐसा टाइट करता है, एक नंबर, बेहतरीन मजा चेका। अरे भाई पैसों की फिक्र आप करे ही नहीं शौकत भाई, फटाफट उसको भेज दे आप। बस ठीक है मैं उसको भेज देता हूँ, लेकिन एक बात की मैं हैरत कर रहा हूँ। किस बात में? आप पूछ रहे भंगी का? आप मैं गुलेल निकालूं? अच्छा चले मैं चाह बस ठीक। जीव किस्म के आज सुबह से लोग टकरा रहे हैं, या अल्लाह सारा मसला हल कर दे। वैसे अच्छा हो गया भंगी मिल गया। हेलो, हाँ पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अच्छा सा सामान भेजना, अच्छी क्वालिटी वाला, ठीक है? अच्छा मेकअप हो। सही है शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या बात है सरीना, कुछ मंगवा रही हो? हाँ वो मेरे कॉस्मेटिक का और मेकअप का और कपड़ा सामान वगैरह खत्म हो गया था ना, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगा लिए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे पापा मैंने जमा किए एक एक रुपया करके। एक एक रुपया करके ना इतने सारे पैसे जमा नहीं होते, सही से बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? अरे पापा तुम मेरे पे शक कर रही हो, अभी मैं बताती हूँ। अदा, ओ अदा। अरे क्या हो गया जरीना, क्यों शोर मचा रही है? अदा देखो ये भाजाई मेरे पे शक कर रही है। अरे पापा वो क्यों? बच्चू पहले तुम जरीना से पूछो कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से कि ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है। अरे बाबा कहाँ से आने, जाहिर सी बात है बाबा तुम्हारी अंगूठी बेच के आए होंगे ना इतने सारे पैसे, ऐसा ही है ना बाबा? अरे अदा ये क्या बोल रहे हो? अरे बाबा मेरा मतलब है कि ये ऐसा सोच रही है तेरे बारे में। जी मैं नहीं समझ रही, तुम दोनों समझ रहे हो, अभी ठहरो मैं बाबा साहब को फोन करके बताती हूँ। तुम दोनों मेरे पे अंगूठी का इल्जाम लगा रहे हो और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। अरे बाबा इतना बोलती है कि सीमा क्या बोल दिया तुमने बाबा इसको? मैं कुछ नहीं जानती बच्चू, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए बस। अरे बाबा मिल जाएगी अंगूठी चाहिए, अंगूठी चाहिए, मेरी शादी की अंगूठी है। कौन कौन हो भाई, कौन हो? ओ खुशियां मना मिठाइयां बांटो। हो गया? हाँ। कौन हो, किस खुशी में खुशियां मना रहे हो? यार कितना बेशरम आदमी है, इतनी देर से दरवाजे पे खड़ा हुआ, अंदर नहीं बुला रहा मुझे। चश्मा उतार फिर अंदर बुलाऊंगा तुझे। हाँ। ये ले, ये आ, बस अंदर आ। अच्छा 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 चलिए। ओ यार मुझे लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। बैंक से आए होंगे? ओ नहीं यार। अब डॉक्टर होंगे फिर? ओ नहीं जी। इंजीनियर? ओ नहीं यार। होटल के मालिक लग रहे हो फिर? ओ पागल तू नहीं है तू? भाई कौन हो आप, कौन हो? ओ बंगिया शौकत भाई ने भेजा है। क्यों मजाक कर रहे हो भाई, शक्ल से तो आप बड़े अमीर आदमी लग रहे हो। क्यों हमारे हालात नहीं बदल सकते? अच्छा वो कैसे? और जो शहर गटर के पानी से भरे हुए होते हैं ना, उनके बंगी बड़े अमीर होते हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। और ये 10 कम की है। आइए आइए अंदर चले मैं आपको बताता हूँ। और चलने से पहले मैं दस दिया कि मैं पहे पहले ले आ, और मेरे जो पहे ना ऑनलाइन कर दे, और खाना मेरी मर्जी था। कोई बात नहीं बड़े भाई, बड़े सर का मेरे मतलब भंगी भाई, कोई ऐसी बात नहीं। आइए आइए टक डिग 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 टक डिग डिग टक डिग डिग डुम टक डुम डुम। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ओ यार आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरे पास टाइम नहीं है भाईजान, मेरे पास पहले ही 10 गटर लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है, मैं फ्री होके देखता हूँ आता हूँ। ओके ओके ओके। ए बाबा जनाब आप कौन है, किससे मिला है? ओ यार दुनिया मुझे जानती है, तू नहीं जानता मुझे? हाँ बाबा जानती होगी दुनिया। आप क्या जहाज उड़ाते हो? हाँ बिल्कुल नीचे नीचे। अच्छा बाबा कागज के जहाज उड़ाते हो? ओ यार मतलब की बात कर यार। अरे बाबा मेरा घर है, आप मतलब की बात करो। मैं छोटे लोगों से बात नहीं करता, और मैं बड़े लोगों को मुंह नहीं लगाता हूँ बिल्कुल। ओ मुझे लगता है तू यहाँ कुछ सही करने आया है, तेरा काम क्या है? अरे बाबा मैं मालिक हूँ। ओ मैंने नाम पूछा है, काम नहीं। अरे बाबा जो मेरा काम है ना वही मेरा नाम है, आप बताओ के क्या काम है? ले भाई गर्मा गर्म चाय पी ले और फटाफट काम पे लग जा। अरे जानी बाबा तुम इसको जानता है ये कौन है? बड़ा मगरूर आदमी है, बड़े आदमी बहुत मगरूर होते हैं। अरे ये तो बहुत बड़े। अरे बाबा क्या बहुत बंगी है?
अब हरकतों से तो बंगी है, वैसे क्या काम करते हैं? वैसे भी बंगी है वो, तो जीवा मैडम की अंगूठी गुम गई ना, उसको ढूंढने के लिए बुलवाया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। ओ यार कब तो दे दें यार। नहीं बाबा नहीं, सबर करो, मिलेगा बाबा, कब भी मिलेगा। पहले वो अंगूठी ढूंढो, तेरी चाय का कप क्या, वर्ल्ड कप भी दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, काम शुरू करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, इन्हीं कपड़ों में? नहीं मेरे पास यूनिफॉर्म है, ही देखो ये देखो, मैं अभी उतारता हूँ। अरे 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 बाबा क्या हो गया है, अंदर जाओ, जहाँ घूमी है वहाँ पे उतारना बाबा, जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, को जा 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 छोड़ के जाओ। भंगी है, डाकू है। क्या हुआ भाई? अरे भाई कुछ पता चला? ओ ऐसे कैसे पता लगता है, बहुत अंदर के मामलात हैं। हाँ तो अंदर के मामला देखने के लिए तो तुमको बुलाया है, बाहर के मामला तो हम खुद भी देख सकते हैं। ये कौन मैडम है? ये ईरान की वजीर दाखिला है। हाँ जी। अबे घर में है तो कोई घर वाली होगी ना। तो लगता है ये अंकिना अंधा भी है। मैडम कह रहा है। और कह रहे थे इसके कहने से थोड़ी वो मैडम हो जाएगी। सारी आवाजें आ रही हैं। कोई मसला हुआ है आपके घर में क्या? वैसे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मिल जाएगी अंगूठियां। अजी मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? हम जरूरी नहीं समझते हर सवाल का जवाब देना। और ठीक है फिर, मैं भी अंगूठी नहीं ढूंढ रहा, जाओ। अरे भला क्यों? मुझे हल्का नहीं लेना, नहीं लेना। भाई आप अपने काम के पैसे तो ले रहे ना? वो तो मैं लूंगा भाई, बात कितनी तरह अंगूठी ढूंढ ले, जा जा ढूंढ अंगूठी। अंगूठी मेरी शादी की अंगूठी है भाई। काकू से जी दप पिए थे। अरे बाबा कौन आ गया? इसे कहते हैं बाबा किस्मत। क्या मतलब है आपका? मतलब है बाबा किसे मिला है? जरीना है। हाँ बाबा है, जरीना है। नहीं भी होगी तो बाबा मैं उसे बुला लूंगा, आप आइए ना अंदर। आइए। शुक्रिया जी, मेरा नाम नूरी है। अरे बाबा फिर भी इतनी दूरी है जी? अब मेरा मतलब है कि आप यहाँ आई हैं तो कोई मजबूरी है जी? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्यों बाबा, कोई बात अधूरी है? अरे बच्चू भाई यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बाबा इसको जरीना से मिलना है। वो ठीक है, लेकिन आप क्यों मिल रहे हो? बाबा दरवाजा तो मैंने खोला ना। ये तो मेरा काम है, आप क्यों ये काम कर रहे हैं? अरे आप कैसे मालिक है, दरवाजा तो नौकर खोलता है। अरे नहीं बाबा ये नौकर है। तो फिर इन्होंने आपके कपड़े क्यों पहने हुए? क्योंकि इन्होंने मेरे पहने हुए हैं कपड़े। ओफ मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा आप कुछ मत समझे, आप अपने दिमाग पे जोर मत दे, आप इनको अंदर लेकर जाओ, ये जरीना से मिलने मैं मिलाता हूँ। आओ अरे भाई क्या हुआ, मिली अंगूठी? ओ नहीं जी कुछ भी नहीं। अरे बाबा अंदर तक देखते हैं ना। ओ जी मैंने बहुत अंदर तक देखा, बराबर वालों की नाली शुरू हो गई थी। इसका मतलब है कि अंगूठी दूसरे के घर में चली गई है? अंगूठी नाली के अंदर नहीं है, मेरे पे भरोसा करो, मैं पक्का कह रहा हूँ। अरे भाई अपना कुछ मिला? कुछ मिला? ओ नहीं यार कुछ भी नहीं मिला, वैसे यहाँ बैठ के सुकून बड़ा मिला। जानी ये कह रहे हैं कि अंगूठी नाली में नहीं है। अब मिल जाएगी। जरीना आपसे कोई मिलने आया है? मेरे से? अच्छा भला मैं देखती हूँ भला मुझसे कौन मिलने आ गया। जानी वो मेरी शादी की अंगूठी थी। ओ भाई कोई हल निकाल इसका, या फिर अंगूठी निकाल। और एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये जो ये ना मेरी अंगूठी, ये मैडम को पहना दो। सुनी की? नहीं स्टील दी है। किस लिए थी? वो मैं काम करते हुए ना नाली से मिली थी। काम करते हुए नाली से मिली थी? और यहाँ से उठ 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 बाहर निकल, चल 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 बाहर निकल। मैं पैसे देता हूँ, निकल बाहर। एक चम्मा कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अरे नूरी तुझे भला यहाँ आने की क्या जरूरत थी यार? क्या करती, मैं आना पड़ा जो तुम्हें, तुम कह रही हो इतने में नहीं बिक रही है। अरे इसे खुद अंदर रख, तुम तो ऐसे करी जैसे चोरी की है। अबे नहीं नहीं, वो मेरी भाजाई ने मेरे को तोहफे में दी, तोहफे में। बहुत बड़ी खातून लगती है तुम्हारी भाभी, ना कहाँ मिलती है आजकल ऐसी भाभियाँ। अरे बाबा मिल जाती है, बचाए ना सब बना रहे। अच्छा ये बताओ मैं इसका क्या करूँ, 10,000 ज्यादा कोई नहीं दे रहा इसके। अरे बाबा कोशिश करो ना कि अच्छे रेट में चली जाए, मेरे को बहुत जरूरत है। अच्छा चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अभी उठो जाओ यहाँ से। ओके ओके मैं चलती हूँ। नहीं बाबा कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बैठो बाबा बैठो। मैंने सब सुन लिया है जरीना, ये क्या किया है तूने? नहीं नहीं अदा, ये अंगूठी मेरे को मिली थी। बाबा ये अंगूठी तो सीमा की है। अब बाबा ये तो मुझे मिलने के बाद पता चली ना। आपने तो कहा था कि आपकी भाभी ने गिफ्ट की है। जरीना बाबा कितनी बुरी बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। क्या इनके पकड़े जाने पर? अरे नहीं बाबा, ये इसकी इस हरकत पर, अपने घर में चोरी कितनी गलत बात है। अदा मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा अपने घर में चोरी नहीं करूंगी। ठीक है बाहर करूंगी। अब मेरा मतलब है कहता तुम मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। देखो भाजाई को मत बताना, खुदा का वास्ता है, देखो प्लीज भाई प्लीज अदा माफ कर दो ना, मेरे प्यारा धनी माफ कर दो ना। बेचारी बहन इतने प्यार से कह रही है, मान जाए ना। अच्छा आप कह रही हैं तो ठीक है, मैं सोचता हूँ। मेरा अदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, भाजाई को नहीं बताऊंगी। आप कहाँ जा रही? बस काम हो गया, अपने घर जा रही हूँ, जरीना से मिलना था, मिल लिया। क्या नाम है आपका? क्यों आपने मेरा डोमिसाइल बनवाना है? अरे नहीं नहीं मैं तो वैसे ही पूछ लिया था जी। मेरा नाम नूरी। नूरी नूरी। और आप? मैं जी नूरा, हर काम में पूरा, मोहब्बत का चूरा। मैं शादीशुदा हूँ, शोहर है मेरा बदमाश भूरा। ओहो तो उसको सलाम देना मेरा पूरा। इस बात पे तो निकाल लेता है वो छुरा। अरे इतनी सी बात पे पागल है क्या पूरा? हाँ ना दिमाग से बिल्कुल अधूरा। रहता कहाँ है, डिफेंस जैसा पूरा? खुद ही पूछ ले, नंबर देती हूँ मैं उसका पूरा। क्या फायदा, बोलेगा कौन है ये चिचोरा? मर्जी है आपकी। ओ यार मेरी खपत चीजों दे दे यार, अबे मेरे निकल निकल दे दे निकल निकल यार, कपड़े दे दे यार। दा हॉल वाला कुवत अल्लाह बिल्लाह ला ले। सीमा, अरे बाबा सीमा मिल गई अंगूठी, मिल गई बाबा। क्या कहाँ से मिली? वो भंकी तो ढूंढ ढूंढ के चला गया। अरे बाबा वो जरीना को मिली है, ये लो बाबा। वाह वाह, अब जरीना तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो मैं सफाई कर रही थी ना, तो सफाई करते करते मिल गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी? वो पहले रेट लगने के लिए दी थी। अब क्या? नहीं मेरा मतलब है कि ये मैंने छुपा ली थी। वो इसलिए कि आप अपनी चीजें इधर रख देते ना, ताकि सबको, तो आप चीजों का ख्याल रखा करो। अच्छा भाई क्या खबर है? माफ कर देना मुझे जानी, मैंने तुम पे बिला वजह शक किया, अंगूठी मुझे मिल गई है। कैसे मिली? हाँ बाबा जरीना को मिली है। हाय शुक्र है जरीना को मिल गई, किसी और को मिलती ना तो कब की बेच के खा जाता। अरे बाबा जरीना बहुत अच्छी लड़की है। ये बात तो है, बड़ी अच्छी नंद है ये। वाकई जरीना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये बच्चों से आपने पसंद की शादी की थी या कोई खानदानी मजबूरी थी? क्या मतलब? मुझे लगता है किसी का दिल दुखाया आपने। क्यों? क्योंकि ये उसी की सजा लगती है मुझे। अरे आपको बहुत 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 मुबारक। किस बात की भाई, मेरी क्या मंगनी हो रही है इनसे? क्या हो गया है, मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो? शादी का वादा का जिसमें मंगनी ना हो। ये भला किस चीज की चाबी है? चाबी और क्या। हाँ हाँ किस चीज की? अब ताले की होगी। गलत गलत। तो फिर अलमारी की होगी। गलत। जानी ये तुम्हारे दराज की चाबी होगी। नहीं नहीं ये है ब्रांड न्यू गाड़ी की चाबी। हाँ बाबा कार्रवाई के लिए गाड़ी की तो बहुत जरूरत होती है। ये गाड़ी कार्रवाई की नहीं है, इनाम की है। अब इनाम की गाड़ी तो ये गाड़ी इनाम ले जाएगा। ये तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, और ये बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? अरे भाई मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और पड़ोसियों का पड़ोसन पे ज्यादा हक होता है भाई। मैं तुम जैसे गरीब पड़ोसियों को ना मुँह भी नहीं लगाती हूँ। बाबा मैं उसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि बाबा वो मुझ पे बहुत जुल्म करती है। किस तरह का जुल्म? बाबा कोई एक हो तो बताओ ना, आप देखो ना इतना जुल्म करती है कि मैं कमजोर हो गया हूँ पहले से। तुम तो ऐसे बुला रहे हो जैसे यहाँ के नौकर हो। हाँ ये हमारे नौकर ही तो है।
नौकर मैं पहले था, अब मैं मालिक हूँ। ये लोग हैं मेरे नौकर। बहुत अच्छे जानी भाई, क्या बात है, गाड़ी तो बहुत अच्छी साफ कर रहे हैं। अच्छा, पहले सर्विस स्टेशन पे काम करते थे क्या? ओ भाई, मेरी गाड़ी है। अब कहाँ मैं लिए, अब तो काफी साफ कर दी तुमने। अरे बाबा, कहाँ पहुँचा दिया, देखो बाबा कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। अरे आप बेफिक्र हैं, वो दूर कहीं नहीं जा सकते, मैंने गाड़ी में ट्रैकर लगाया हुआ है, पकड़ा जाएगा। लेकिन गाड़ी तो उसी की है ना, तो पकड़ा क्यों जाएगा? इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है, वट्टा सट्टा। जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर